हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। सो अगर आप दोस्तों इस साल एडमिशन्स लेना चाहते हैं किसी बेहतरीन कॉलेज में, तो आप जो है हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमारे पास एडमिशन्स ऑन हो चुके हैं मैक्सिमम गुड कॉलेजेस प्राइवेट्स में, जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए अभी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स भी मिल रहा है। सो अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें, क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है। जलपाईगुड़ी की गवर्नमेंट कॉलेज की जो हम लोग एवरेज पैकेज की बात कर रहे थे, तो वो एवरेज पैकेज अभी ज़रा गिर गया है। 8 लाख से जो है गिर के नीचे 6 लाख के आसपास आ गया है, तो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों मूव करते हैं कि इनके जो अबाउट द इंस्टीट्यूट क्या है, इनकी हिस्ट्री चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये NBA अक्रीडिएटेड है, ये कॉलेज अभी भी मकाउट के अंदर एसोसिएटेड है। इसके बाद जो है देखिए, आप जो फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, अफिलिएटेड है अभी भी जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज से। और हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस कोलकाता में है। इसमें कुछ PG प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें आप गेट या फिर PGET से जा सकते हैं। और आपको पता है UG प्रोग्राम का एकमात्र ज़रिया है कि आप WBJE दें तो 12th के बाद जाएं, JLET दें तो आप डिप्लोमा के बाद जाएं। अंडर ग्रेजुएट बात करें तो कौन कौन से ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलता है। बट अगर आप MTech करना चाहते हैं तो सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं। बात करें इस कॉलेज के BTech की, तो BTech में आप देख सकते हैं कि कितनी फीमेल्स की मात्रा यहाँ बहुत कम होती है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है लोकेशन ज़रा ऑफ लोकेशन होता है, तो लड़कियाँ नहीं ज़्यादा प्रेफर करती हैं इस कॉलेज को। बट अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा मेल्स का रेशियो ज़्यादा देख पाएंगे, कंपैरेटिवली हमेशा 40 सीट्स के आसपास भर जाता है। हम बात करें यहाँ पर टोटल 60 सीट्स करके होते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि जो है यहाँ रिजर्वेशन काफ़ी है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की, तो आपको पता है कि बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो गूगल डेवलपर्स क्लब मिल जाता है, IEEE मिल जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, NSSS यूनिटी है, नाइट स्कूल्स है, डिवाइड एंड कॉन्कर, दो चार ऐसे स्पेस एरोनॉटिक्स के भी कुछ क्लब्स हैं यहाँ पर। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ड्रामा क्लब होता है, क्विज क्लब्स हैं, नाइट स्कूल्स हैं, क्या होता है आर्ट क्लब है, और बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो म्यूज़िक क्लब है, स्पोर्ट्स भी क्लब है। बात करें इस कॉलेज की तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, गेट में काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक आई है। तो स्क्रीन पे आपको दिख सकता है कि कितने अच्छे अच्छे रैंक आए हैं गेट्स पे। इसके अलावा TCS कोडविटा पे भी बहुत सारे बच्चे जीते हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप रैंकर किसको मिला है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो आप IT में नहीं जा सकते, जा सकते हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो। इसके अलावा जो है वी स्कॉलर से भी बहुत सारे बच्चों को टैलेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन मिली है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन तो दोस्तों मैं भी था, तो मैंने तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन जीता नहीं, फाइनलिस्ट था मैं। सो यहाँ पर भी जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथन में बहुत सारे बच्चे गए। इसके बाद जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशंस में बहुत सारे बच्चों ने अपना रिसर्च भी पब्लिश किया है। और प्लेसमेंट प्रोसीजर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो कॉलेज इन्वाइट करती है अपने कंपनीज़ को, फिर वहाँ के फॉर्म फिल करते हैं और इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन होता है। बात करें कौन कौन सी कंपनीज़ अभी तक आई हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है कॉग्निजेंट है, गूगल में जो प्लेस हुआ था दोस्तों वो डायरेक्ट मतलब खुद से जाकर उन्होंने प्लेस करवाया था, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है। इसके अलावा हाइपर जियो है, विल्स टावर वॉटसन है, कॉर्निक्स है, वोल्टस है, CESC है, बहुत सारे। ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स में कौन कौन सी कंपनीज़ है आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। इसके अलावा ये सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पर ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और कंपनीज़ LLMs कहाँ पर है, तो LLMs में तो आपको पता है कि गूगल में कौन है। इसके अलावा JP Morgan, वॉलमार्ट, ये सब में इनके LLMs काम कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ चुके हैं तो जा चुके हैं वहाँ पर, इसरो तक में जा चुके हैं। ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स की बात करें तो एटलांसियन, हाइपर जियो, गेल, ये सब पे भी जो है, गेल आपको पता है एक PSU है, यहाँ पर जो है कुछ ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स हो जाती हैं। आपको पता है गेल में इंटर्नशिप करने पर कोई पैसा नहीं लगता है, अगर आपको नहीं पता हो तो पता चले। ये TUF देख रहे होगे, वही जो गूगल में प्लेस हुआ था उसने अभी TUF ज्वाइन किया है, उन्होंने स्टार्ट किया, विच इज़ लाइक टेक यू फॉरवर्ड। इसके अलावा सेमेंस है, हिताची है। इसके अलावा हम लोग बात करें प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की, तो वो 54 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 8.2 लाख का ओवरऑल पैकेज है, मतलब इंटरनेशनल ऑफर को मिलाकर। बट यहाँ पर जो है अगर ऑन कैंपस एवरेज की बात करें, मतलब कैंपस के अंदर जितने कंपनीज आए हैं उसमें सिर्फ ये 5.73 है। जो 8.2 आप देख रहे हैं या 54 LPA देख रहे हैं, ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, जो कि बच्चे ने खुद अगर मेहनत की, बाहर से कोई एग्ज़ाम निकाला तो उसकी लग गई। बात कर दोस्तों इसको कैसे जा सकते हैं, तो आपको पता होगा कि ये कॉलेज जो है आप 57 किलोमीटर अवे पड़ता है एक एयरपोर्ट से। इसके अलावा आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगा और बस से जा सकते हैं। सो दोस्तों ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। प्लेसमेंट ब्रोशर था ये जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। आने वाले फ्यूचर में आप ट्राई करना चाहते हैं ये कॉलेज, आपको ये कॉलेज कैसा लगता है मुझे लिख के बताइए। साथ में दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपके दोस्त कोई लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑफिस को विजिट कीजिए। अब तो टाइम भी कम है, तो आप लोग सीधा कॉलेज में भी जाकर अब जो है एडमिशन हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, ऑथेंटिसिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेट ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, और हम लोग वो ट्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप हमारे यहाँ पर से एडमिशन लेना चाहते हैं, सो बेझिझक आकर यहाँ पर से एडमिशन्स ले सकते हैं, सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।